खबर रीवा जिले से है, जहां शासकीय जमीन में कब्जा करने को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। घटना चौराहा थाना क्षेत्र के वेलकम गेट की है, जहां बस से आ रहे कर्मचारी मुकेश तिवारी के साथ आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की है। शोर शराबा सुनकर परिवार के लोग पहुंचे और घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। बताया जाता है कि इसके पहले भी मारपीट की जा चुकी थी। मारपीट करने वालों में दिवाकर पाठक, प्रभाकर पाठक, मुन्नू पाठक, गणेश पाठक निवासी सकरवट के लोग शामिल हैं। घायल के भतीजे अमित तिवारी ने बताया कि उनके घर के पास शासकीय जमीन पड़ी हुई है, जिसका गांव के सभी लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आरोपी स्वयं उस पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते कंपनी से काम कर लौट रहे मुकेश तिवारी को वेलकम चौराहे पर डंडे से मारपीट कर हाथ पैर तोड़ दिए। अमित तिवारी ने बताया कि इसके पहले भी मारपीट की शिकायत की जा चुकी थी। पहले भी आरोपियों के द्वारा पत्थरबाजी की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ है। मेरा नाम अमित तिवारी है, मैं ग्राम सकरवट पोस्ट बिहरा से हूँ, जिला रीवा। क्या घटना हुई है, किनके साथ है? ये हमारे छोटे चाचा हैं, इनका नाम मुकेश तिवारी है, ये अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं। और क्या सर, क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि इनको मारा गया है और इनका हाथ, दो हाथ फ्रैक्चर हो गए, एक पैर फ्रैक्चर हो गया। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से क्या घटना हुई? ये वेलकम गेट नवस्ता मोड में इनको मारे हैं। किसकी घटना है ये? 10:50 का घटनाक्रम है। सूचना मिली फिर घर में? जो इनके साथ बस से उतरे थे, उन्होंने इनके छोटी बच्ची को बताया, हमारी बहन को, छोटी बहन को बताया घर जाके, और फिर उसके बाद उसने हमको फोन लगाया कि चाचा को मारे हैं। आप लोग लेके हॉस्पिटल आए? हम लोग हाँ, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके आए। और मारने वाले का नाम है दिवाकर, प्रभाकर, और ये मुन्नू पाठक, ये सब पाठक ही समाज है, और क्या नाम है, गणेश पाठक। कहाँ निवासी है सर? ये सब ग्राम सकरवट के निवासी है। विवाद काहे को लेके? विवाद जमीनी विवाद से, वो सरकारी जमीन है और हम लोग चाहते हैं कि सबका विकास हो, सरकारी है सबके लिए है, और ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ पर्सनली यूज करूं। अवैध कब्जा कर रहे हैं, और कब्जे के इसमें चाचा विरोध किए हैं, कलेक्टर, इसके तहसीलदार इनका वो भी कर दिए हैं, खारिज मतलब गिरवाने का वो काम कर दिए हैं, जो बाउंड्री लगाए हैं, बाउंड्री गिरवाने का आवेदन भी दे दिए हैं वहाँ से, लेकिन ये लोग अभी भी बाउंड्री लगी हुई है। मारपीट किसका थाने में हुई आपकी? क्या सर? मारपीट जो हुई इनके साथ, थाने हाँ, सिविल लाइन में रिपोर्ट आज हो गई है, FIR हो गई। नाम दर्ज है। ये घटना 24 घंटे से ऊपर हो चुकी है, अभी तक जो मुजरिम है इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ये लोग पिछली बार भी हमारे घर में जाके तोड़ फोड़ कर चुके, हमारी दादी को भी पत्थर वगैरह मारे थे। इसकी रिपोर्ट चौराहा में की गई है, चौराहा में FIR दर्ज, जो कॉपी है एक प्रति वहाँ जमा है, और इसके अलावा अभी तक वो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, मुजरिम हो गया, भाग रहे इधर उधर। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।